Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 9th of July और 9th of July का दोस्तों करंट अफेयर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सुबह के दो क्लासेस में कर चुका हूँ, सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे। 6 बजे की जो क्लास है वो स्पेशली SSC के जो एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर है जो कि मैं करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए है, इनरेस्पेक्टिव आप दोस्तों कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, अगर आप कोई GD कहीं पर कर रहे हैं या फिर अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना है, सब जगह पे दोस्तों ये सेशन है जो कि आपके काम है। क्योंकि आपका ओवरऑल ग्रोथ जो है ना, जो आपकी नॉलेज है, आपके सोचने समझने का तरीका है, हर चीज के अंदर ये सेशन है जो कि आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कल के 10 सवाल जो कि मैंने आपको दिए थे। कल का पहला सवाल था दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में सरकार ने प्रतिबंध समर्थक खालिस्तान समूह डैश की 40 वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स फॉर जस्टिस है ना, इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा था जिसको हमने UAPA 1967 के तहत बंद कर दिया है। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 25 करोड़ पौधे कौन से राज्य ने लगाए हैं, उत्तर प्रदेश ने लगाए थे। NPCI ने डैश में अपने स्मार्ट डेटा सेंटर को विकसित करने का निर्णय लिया है। NPCI ने दोस्तों हैदराबाद के अंदर ये डेटा सेंटर है जो कि ये विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, ये भारत पन्नु। संकेतिक वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में है, वह कहां पर है दोस्तों, तो ये था आपने भूटान के अंदर। मैंने कल आपसे पूछा था कि सतमई गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत की सहायता से कौन से देश में किया गया है, तो इसको किया गया है दोस्तों भूटान के अंदर, सॉरी नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरियाणा ने दोस्तों कितना परसेंट रिजर्वेशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब के अंदर किया है, तो ये किया है दोस्तों 75%, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने तत्काल ऋण संवितरण के लिए लोन इन सेकेंड योजना शुरू करी है, लोन इन सेकेंड स्टार्ट करी गई है यस बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय वित्त सहायता केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये थे श्रीनिवास जी को, तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर था। CSA के वार्षिक पुरस्कार समारोह में पुरुषों के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, क्वेंटी कॉक को दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों गुरु पूर्णिमा पे मैंने सभी बच्चों को एक गिफ्ट दिया था, ओके, सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से फ्री क्लासेस का अनाउंसमेंट मैंने किया था। 3 मंथ चैलेंज है जो कि मैंने दिया था, 90 दिन रेगुलर क्लास करने का, जिसमें से 3 दिन हो चुकी है, आज चौथी क्लास है 11 बजे और 12 बजे लाइव फ्री क्लासेस स्पेशल सेशन के ऊपर। तो अगर आपको GK पढ़ने का शौक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइंस है, ये सब आप पढ़ना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि सच में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना, चाहे वो कोई UPSC हो चाहे कोई आपका स्टेट का एग्जाम हो, इनको ज्वाइन करिएगा। 11 बजे और 12 बजे फ्री क्लास होती है डेली, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस है जो कि करा रहा हूँ। आज अपना साइंस डे है, थर्सडे है, तो आज हम साइंस डे करेंगे और उसके आगे फिर हम इसका टेस्ट भी करेंगे। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है। कैसे ज्वाइन करनी है ये मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीके के द्वारा। आपको क्या करना है, Unacademy ऐप डाउनलोड करके ओपन करनी है, ओपन करके उनेश शर्मा ऊपर सर दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लो। सर्च करने के बाद ऐसे आपको एक यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगी, इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद फॉलो कर लो और यहाँ पे देखिए स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएगी। सारे स्पेशल क्लासेस आपके सामने हैं, 3 मंथ चैलेंज है। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कोई कमी नहीं है, पढ़िए। और ये फ्री क्लासेस आप सभी लोगों के लिए, ये देखिए ये सारी फ्री क्लासेस आपके लिए स्पेशल क्लासेस है। ठीक है, ऐसे अगर आप पॉलिटी मैंने कल करवाई थी, कल पॉलिटी का क्लास है, ये पॉलिटी का टेस्ट है जो कि मैं 12 बजे करवाया था, तो ज्वाइन करिए, पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको प्लस लेना है तो आप किसी भी एग्जाम का प्लस ले सकते हैं, 12 महीने का रेफरल कोड लगाइएगा भुनेश10 और अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोट ऑफ द डे से जो कि मनोज कुमार के द्वारा भेजा गया है। इट्स ओनली आफ्टर यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन देन यू बिगिन टू चेंज ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों बोली गई है और ये चीज है जो कि मैंने भी देखी अपनी लाइफ के अंदर, कि जब आप दोस्तों कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, लेकिन मानिए आपके जीवन के अंदर चेंज आना, आपकी ग्रोथ होना और आपका ट्रांसफॉर्म होना दोस्तों हो जाता है। हमेशा हर आदमी यही चाहता है कि वो कंफर्ट जोन के अंदर है, हमेशा वो यही चाहता है कि जो वो चाहे वैसा ही उसके साथ में होता रहे। तो
कभी भी ऐसा नहीं होता है, जब भी आप कंफर्ट जोन में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस इतना ही है जो कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लिमिट को बढ़ाना पड़ता है। आपके सोच की, आपके समझ की, आपके दिमाग की, आपके बॉडी की कोई लिमिट नहीं है। बस जरूरत होती है कि आप एक स्टेप आगे बढ़े अपने कंफर्ट जोन से। ना कभी रनिंग करी है आपने? कभी रनिंग करी है? कभी क्रिकेट खेला है? रनिंग करते जब क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर भाग रहे होते हो ना, आपको लगता है कि बस यार 4 किलोमीटर ही बहुत है। आप चाहते नहीं हो कि बॉडी को 6 किलोमीटर के ऊपर लेके जाए, लेकिन जैसे आप एक स्टेप लेते हो, आप अपना आगे बढ़ते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप देखते हो कि आपकी बॉडी जो है वो 6 किलोमीटर के भी यूज्ड हो गई है, आपकी बॉडी 10 किलोमीटर के भी यूज्ड हो गई है। समझ गए? लॉकडाउन से पहले मैं 20 किलोमीटर जो है मैं रनिंग कर रहा था, मतलब मैंने अपने कंफर्ट जोन को पार करते करते 20 किलोमीटर तक पहुंच गया था, लेकिन लॉकडाउन में 3 महीने में सब कुछ खत्म। अब वापस मैं 2 से 4 किलोमीटर पे आ गया हूँ। अब लेकिन वापस से मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, वापस से पहुंचना पड़ेगा। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकले करो, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे तो आपको चेंज जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आज का अपना दहिंदू। आज के दहिंदू के अंदर सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि 3 एनजीओ है, 2 तो एनजीओ है राजीव गांधी के नाम पे और 1 एनजीओ है इंदिरा गांधी जी के नाम पे। ठीक है, तो इनको दोस्तों लिंक किया गया है। होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक कमिटी बनाई है इनकी जांच पड़ताल करने को लेकर। और क्या लगाया गया है, जो इनके ऊपर अक्यूज किया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का अक्यूजेशन है जो कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पार्टी जो है वो चंगू मंगू है। आपको मालूम है जब वो सरकार में आएगी तो उनकी खींचेगी टांग, वो सरकार में आएगी तो उनकी टांग खींचेगी, है ना। यहाँ पे दोस्तों ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने को लेकर सारे काम जो है दोस्तों वो करने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 UP के पुलिसमैन को पकड़ा गया है, उन्होंने टिप दी थी विकास दुबे को रेड को लेकर। ये बहुत ज्यादा दोस्तों एक गलत न्यूज है कि मतलब आप देख रहे हो कि पुलिस के वो लोगों की गलती की वजह से हमारे 8 दोस्तों पुलिस के जवान जो है वो शहीद हो गए। समझ रहे हो, एक विकास दुबे एक इतना एक आपको मालूम है गुंडा, मतलब उसको टिप देके कितना ज्यादा नुकसान है जो कि हम लोगों ने हमारा करवा लिया। हमारे यहाँ पे दोस्तों एक पुलिस की, एक जवान की, हमारे आर्मी के हर एक की दोस्तों जो लाइफ है ना वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितने की देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की है। ओके, तो हर एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लेना जरूरी है और अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इनके लिंक जो है वो निकलने चाहिए किसके साथ में, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो। चाइनीज दोस्तों ट्रूप है जो कि PP-15 वाले एरिया से थोड़े पीछे है जो कि हट गए हैं। अब ये PP-15 कहाँ पर है, ये आपका हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया था ना, 3 जगह क्लैश हुआ था, एक तो गलवान वैली, एक हॉट स्प्रिंग और एक आपके पैंकॉन्ग लेक। तो गलवान वैली से तो 4 किलोमीटर का एक बफर जोन है जो कि दोनों देशों ने बना लिया, 2-2 किलोमीटर पीछे जाके। हॉट स्प्रिंग से भी चाइना थोड़ा सा पीछे हो गया है, बस पैंकॉन्ग लेक है ना वहां से थोड़ा सा बाकी है अभी पीछे होना। अभी कमांड लेवल के ऊपर काफी बातचीत हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद में ही ये जो है पैंकॉन्ग लेक वाला भी हो पाएगा। अब दोस्तों इंडिया ने जो है वो कुलभूषण जाधव वाले केस को लेकर दोस्तों बोला है कि फोर्सली जो है वहां पे उनसे चीजें जो है वो उगलवाई जा रही है, चीजों को लिखा जा रहा है ना। और आपको मालूम है कुलभूषण जाधव केस जो है हम ICJ के अंदर भी जीत गए थे, हमारे जो हरीश सालवे जी थे उन्होंने जबरदस्त केस लड़ा था। यहाँ पे दोस्तों COVID-19 को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे जो है केरला के अंदर, आई गेस केरला है, तमिलनाडु के अंदर कहीं पर है कि कुछ मास्क बनाए गए जो कि खाने के शेप के, जैसे कि पराठा के शेप के, बाकी शेप के शेप पे, तो लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं और मास्क को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है वो बोला गया है जो गरीब कल्याण योजना के तहत, आपको मालूम है ना कि अभी नवंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया गया था कि सभी को राशन मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका लूपहोल ये है कि जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है ना उनको राशन कार्ड, उनको जो है ये खाना नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर्स है जो कि अभी भी ट्रेनों से जा रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को फ्री खाना क्यों नहीं मिल सकता है, तो इसको लेकर यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कोविड एक पूरे फ्रंट पेज में अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ COVID-19 वाला ही है क्योंकि डिस्कशन करने लायक है, हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो जो है वो जनरलाइज न्यूज है जैसा कि हमने देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक 10,000 बेड का एक फैसिलिटी है जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास छतरपुर के अंदर दिल्ली में बनाया गया है। 10,000 बेड की फैसिलिटी COVID-19 के केयर सेंटर है जो कि बनाया गया है। कल दोस्तों 24,000 केसेस हमारे देश में देखने को मिले, टोटल नंबर ऑफ केसेस 7,68,000 है जो कि हमारे देश में पहुंच चुके हैं। ओके गाइज, और अपने अपने राज्यों का हालत आप देख सकते हैं, है ना, वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर अभी स्टेबल हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में
तो हमारे देश में 1.5 लाख केसेस है जो कि हमने नए देखे हैं और थर्ड मोस्ट है पूरी दुनिया में। यूएसए ने पिछले 7 दिनों के अंदर 3.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए, ब्राजील में 2.5 लाख और हमारे यहाँ पे 1.5 लाख केसेस देखने को मिले हैं। ओके, पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं दोस्तों 12 मिलियन केसेस है, यानी कि 1.2 करोड़ केसेस हो चुके हैं और पूरी दुनिया में 5.5 लाख लोगों की मृत्यु है जो कि COVID-19 की वजह से हो चुकी है। हमारा दोस्तों नंबर है वो तीसरे नंबर के ऊपर है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो नियर बाय 7.5 लाख के आसपास है और 20,000 लोगों की हमारे यहाँ पे मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे एक्सीडेंटल समरी के बारे में बताया गया है। आपको मालूम है दोस्तों कि आजकल, ठीक है, आजकल यहाँ पे येलो भाई मोबाइल साइलेंट कर दिया, ठीक है, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट समरी के बारे में बताया गया दोस्तों कि आपको मालूम है कि आजकल हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है ना वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मई 2020 की बात करूं तो हमारे यहाँ पे दोस्तों 30 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है जो कि हमने देखने को मिले हैं और उससे कितने लोगों की जान चली गई है, 75 लोगों की दोस्तों डेथ है जो कि हो गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है दोस्तों हमारे देश के लिए कि जो इंडस्ट्रीज है वहां पे सेफ्टी और प्रिकॉशन के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 2014 से 2017 की अगर मैं बात करूं 3 सालों के अंदर तो 8,000 केसेस है जो कि इंसिडेंट है जो कि हमको देखने को मिले फैक्ट्रीज में, जिसके अंदर दोस्तों कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी आपको क्या लगता है? नंबर दोस्तों बहुत ज्यादा है, नियर बाय 6368 एम्प्लॉय की दोस्तों मृत्यु है जो कि हो चुकी है इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट को लेकर। सबसे ज्यादा दोस्तों जो इंसिडेंट देखने को मिले हमें कौन से राज्य में देखने को मिले? सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर देखने को मिले। आपको मालूम है आउटकोर्स में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि ऐसे चलती रहती है। सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, उसके बाद में राजस्थान है, 3 सबसे बड़े राज्य जहां पे सबसे ज्यादा इंसिडेंट है जो कि देखने को मिले हमें दोस्तों। ओके, सबसे ज्यादा जो उसके केसेस हुए हैं वो किसके वजह से हुए हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग मशीनरी की वजह से। ये देखो आप 4,000 केसेस 8,000 में ऑपरेटिंग मशीनरी, तो मशीनरी है ना उसको ऑपरेट करने के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हुए हैं। ये गाइस और आवाज आवाज सही आ रही है ना दोस्तों? ध्रुव इंडिया बोल रहे हैं कि आपको नया लैपटॉप ले लेना चाहिए। आवाज मेरे ख्याल से सही आ रही होगी यार, मेरे फोन में बिल्कुल सही आ रही है। एक बार जो है यहाँ पे दोस्तों थम्स अप करके बता दो मुझे, ये सर आवाज आवाज एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है गाइस, और देखो यार मैंने माइक भी ले रखा है बोया वाला माइक, लेकिन वो माइक से भी मैंने टेस्टिंग करके देखा तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उससे कम ही क्वालिटी है जो कि उसके अंदर आ रही है मेरे वाले लैपटॉप के अंदर। हाँ चलो ठीक है, थम्स अप आ गया है, बहुत सही है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 पे दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे ओपन स्काई एग्रीमेंट को लेकर। यूएई ने दोस्तों बोला है कि भारत को भी ओपन स्काई एग्रीमेंट है जो कि करना चाहिए और इसको लेकर दोस्तों काफी ज्यादा इंफोसिस है जो कि यूएई कर रहा है दोस्तों, तो उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। यूएई जो है वो सपोर्ट के अंदर है ओपन स्काई एग्रीमेंट को लेकर। देखो भाई बात क्या है कि इंडिया ओपन स्काई एग्रीमेंट या ओपन स्काई ट्रीटी होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखो है ना, ओपन स्काई ट्रीटी होती है एक, ओके, इसके ये जो है वो 1992 के अंदर साइन करी गई थी, 2002 के अंदर इफेक्ट में आई थी। दुनिया के 34 देशों ने इसको साइन कर रखा है और ये क्या करते हैं कि आप सर्विलियंस फ्लाइट है जो कि दूसरे देश में उड़ा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए रशिया जो है वो क्या कर सकता है अमेरिका के अंदर है ना, एक विथाउट अनमैंड, जो अनमैंड जो होता है ना अनआर्म्ड या फिर अनमैंड कोई भी सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है जो कि उड़ा सकता है उसके टेरिटरी के अंदर, समझ गए? अगर ऐसा कोई देश अलाउ करता है तो यानी कि वो ओपन स्काई ट्रीटी में शामिल है। रशिया और यूएसए दोनों इसके मेंबर थे। यूएसए ने कुछ टाइम पहले बोला भी था कि यूएसए तोड़ देगा रशिया की इस ट्रीटी को, क्योंकि रशिया काफी बार जो है वो सर्विलियंस फ्लाइट्स है जो कि अमेरिका के ऊपर लेके जाता रहता है, गलत फायदा उठा रहा है, ऐसा यूएसए ने अक्यूज किया था रशिया को। इंडिया इसके मेंबर नहीं है। हालांकि दोस्तों इंडिया क्या करता है कि जो सार्क कंट्रीज है ना अपने, उनको हम अलाउ करते हैं सार्क कंट्रीज को, और साथ में उन देशों को जो कि 5,000 किलोमीटर से बियॉन्ड है। अब यूए की प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ये बीच में पड़ जाता है, तो यूए भी बोल रहा है कि हम दोनों देशों के बीच में 1,000 से ज्यादा फ्लाइट है जो कि एक वीक के अंदर उठती है।
समझ गए। और अगर आप एक तरीके से हब बनना चाहते हो एविएशन का, तो क्यों ना आप ओपन स्काई एग्रीमेंट करें इंडिया हमारे साथ में, ताकि हम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को इंडिया में जो है वो लेके जा सके, और इंडिया से दूसरे देशों के अंदर भी फ्लाइट को लेके जा सके। अगर इंडिया ओपन स्काई एग्रीमेंट कर लेगा यूएई के साथ में, तो यूएई को एक एडवांटेज ये मिलेगा कि यूएई अपने बाकी देशों के अंदर भी फ्लाइट वो है इंडिया के वाया लेके जा सकता है। और इंडिया को इसका डर क्या है कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो यूएई की जो इमिरेट्स वाली जो फ्लाइट है ना, जो इतिहाद वाली जो फ्लाइट है, ये काफी बड़ा बिजनेस है जो कि इंडियन एयरलाइंस से या इंडियन जो है ना फ्लाइट है उससे लेके जा सकती है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, इमिरेट्स के अंदर ज्यादा सुविधाएं मिलती है, इतिहाद में ज्यादा सुविधाएं मिलती है, तो लोग जो है वो यूएई वाली फ्लाइट बुक करेंगे दूसरे देशों में जाने के लिए भी। समझ गए। तो इंडिया का कंसर्न ये है, इसलिए इंडिया ने यूएई के साथ में ओपन इसका एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा है, और उसको इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, बायलेटरल एग्रीमेंट किया हुआ है दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के देशों के अंदर फ्लाइट को लेके जाने को लेकर। तो यूएई के जो एम्बेसडर है इंडिया के दोस्तों, अल्बामा अल्बाना उनका नाम है, तो उन्होंने दोस्तों ये बोला है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, समझ गया मेरी बात, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सार्क कंट्रीज तो सभी को मालूम है ना यार, साउथ एसोसिएशन जो रीजनल है ना अपनी कॉर्पोरेशन जो है। ओके, ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंदर देखो, ओपन स्काई एग्रीमेंट जो अभी इंडिया वाले की मैं बात कर रहा हूँ यूए के रेस्पेक्ट में, तो वो तो सिर्फ इतना सा है कि यूए को ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा इंडियन एयरपोर्ट्स का दूसरे देशों में इंडिया से फ्लाइट ले जाने को लेकर, जो इंडिया ने नहीं कर रखा है। समझ गए। इंडिया ने सार्क कंट्रीज और 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो तो दूरी वाले कंट्रीज है उनके साथ में कर रखा है। अगर मैं ओपन स्काई ट्रीटी की बात करूं, तो ये दोस्तों 2002 में लागू करी गई थी। इस ट्रीटी के साथ आप सर्विलियंस फ्लाइट है जो कि एक दूसरे से देशों के अंदर लेके जा सकते हो। मेजरली यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर है, यूएसए रशिया भी इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है गाइज, एक यहाँ पे अनुपम जो है वो कमेंट करे, अनुपम आपका कमेंट जो है वो वीडियो के नीचे डाल देना, वहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 की बात करें दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी ने यूएस गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है दोस्तों स्टूडेंट के वीजा को लेकर। ठीक है गाइस, आपको मालूम है दुनिया की टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज में से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दोनों ने क्या कर दिया है दोस्तों, केस कर दिया है इसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। क्यों कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज स्टेटमेंट जारी किया था और बोला था कि जो भी स्टूडेंट अमेरिका में रह रहे हैं, अभी कॉलेजेस तो बंद हो चुके हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हर एक इंस्टीट्यूट के। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो यूएसए जो है वो यहां से चले जाए अपने अपने कंट्रीज और वहां से ही अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करें। तो ये ऑर्डर है जो कि दोस्तों आया था। अब इससे क्या हो जाएगा कि इससे जो एमआईटी के जो स्टूडेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जो कि विदेश से दोस्तों यहाँ पे पढ़ने आए हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आए हैं, समझ रहे हो, तो सारे बच्चे जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा लॉस रेवेन्यू टर्म्स में भी और एक वैल्यू की टर्म्स में यूनिवर्सिटीज को देखने को मिल सकता है अमेरिका की। तो इसके खिलाफ जो है हार्वर्ड और एमआईटी ने क्या कर दिया, यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ केस है जो कि कर दिया है। आपको मालूम है अगर आप किसी भी, अगर आज के टाइम पे कोई भी इंडियन बच्चा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या एमआईटी या कोई भी जो है ना स्टैनफोर्ड या कहीं पर भी जा रहा है पढ़ने के लिए ना, चाहे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो, एनवाईयू हो, कोई पे भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की बात नहीं होती है, वहां पे एक्सपीरियंस होता है, एक लार्ज एक्सपीरियंस है, एक एक्सपोजर है डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट आपको वहां पे स्टडी का, डिफरेंट और तरीकों का सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर कॉलेजेस जो है सारे के सारे इतने बड़ी यूनिवर्सिटीज के बच्चे अगर सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो ना। तो ऐसा दोस्तों इनका स्टेटमेंट है, इसी वजह से इन्होंने केस कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये वाली न्यूज थी और एक ये वाली डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों नीज है, नीज का मतलब हो गया उनकी भांजी जो होती है ना, उनके भाई या बहन की जो बेटी होती है, उसने किताब लिखी है दोस्तों, उनका नाम है मैरी ट्रंप, और बहुत जबरदस्त किताब लिखी है ट्रंप के खिलाफ, काफी चीजें जो की बोली है, मतलब ट्रंप को नार्सिसिस्ट बोला है, ट्रंप को एक तरीके से है ना ब्रूटलिस्ट का नाम दिया है, साइकोलॉजिस्ट ब्रूटलिस्ट पर्सन है जो कि डैमेज कर रहा है पूरी के पूरे अपनी फैमिली के रेपुटेशन। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एंगर जो है वो बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, ऐसी काफी जो डिस्ट्रस्ट जो है ना वो उसका टैग जो है वो लगाया, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैरी ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दोस्तों बोली है। ठीक है, और किताब का जो नाम है वो है टू मच एंड नेवर इनफ,
हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। तो ये दोस्तों किताब है जो कि लिखी गई है, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल किताब हो गई है। टू मच एंड नेवर इनफ, ये आपसे इतनी सी लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये किताब दोस्तों क्या होगी, किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई है, टू मच एंड नेवर बिफोर, दिख रहा है आपको। ये किताब ट्रंप के खिलाफ लिखी गई है, देखो ट्रंप की फोटो है बचपन की, और ये इनकी भांजी है जिनका नाम है मैरी ट्रंप। ओके, तो काफी जबरदस्त चीजें जो है वो बताई गई है। इनके जो डोनाल्ड ट्रंप के फादर के बारे में भी बताया गया है कि 42 की उम्र के अंदर उनके फादर की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द एल्कोहल की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है, पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है, किस तरीके से ट्रंप की ग्रोइंग हुई, क्या हुआ, वो सारी चीजें इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो वैसे भी जो है अगली बार नवंबर दिसंबर के अंदर जब इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन हारने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए में पूरी दुनिया में ट्रंप को लेकर माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि यूएस के लोग वापस से वोट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पे मालूम है ट्रंप के बारे में, आपको मालूम होगा ना, ट्रंप WWE के अंदर भी आए थे, WWF के अंदर भी पार्टिसिपेंट थे, है ना, स्टोन कोल्ड के साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, स्टोन कोल्ड ने स्टनर लगा दिया था इनके, ठीक है, काफी फेमस है वो है, मतलब वीडियो है, आप देख सकते हो, स्टोन कोल्ड ने स्टनर लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब स्टोन कोल्ड को डर लगता होगा कि यार ये पता नहीं ट्रंप को उस टाइम पे मारा था, आज पता नहीं कहीं अमेरिका से बाहर नहीं फेंकवाते कहीं। स्टोन कोल्ड को भी लगता होगा कि यार किसको मैंने स्टनर लगाया था, मतलब वो यूएस प्रेसिडेंट बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है श्रीलंका को लेकर और मालदीव्स को लेकर। श्रीलंका और मालदीव्स दोस्तों दोनों मिसाइल्स फ्री हैं जो कि बन गए हैं, मिसाइल्स और रुबेला, ठीक है। आपको मालूम है ना, आपकी बॉडी पे छोटे छोटे से किसी की बॉडी पे रेड रेड स्पॉट होते हैं, उसको मिसाइल्स कहते हैं, है ना, खसरा बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में खसरा। तो दोस्तों खसरा जो है उन मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर अब नहीं है, पिछले 10 सालों से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि चला रहे हैं WHO ने दोस्तों, ये जानकारी है जो कि दी है, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर हमारे देश की बात करें तो अभी भी हम लोग दोस्तों दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिसल्स केसेस है जो कि हमारे देश में है, ओके। हालांकि 2018 से 2019 के अंदर इम्प्रूवमेंट तो हुआ है और 194 कंट्रीज के अंदर हम लोग फोर्थ नंबर के ऊपर है दोस्तों, WHO के द्वारा दोस्तों बताया गया। 40,000 केसेस है जो कि हमें दोस्तों देखने को मिले थे आफ्टर द मदागास्कर, यूक्रेन, फिलीपींस, उसके बाद में चौथे नंबर पे थे, ओके। चलिए ठीक है गाइस, ये देखिए ये होता है मिसाइल्स, कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पेज नंबर 16 की बात करेंगे, यहाँ पे तो मैंने ये तो आपको बताई दिया न्यूज इसके बारे में, तो ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक और न्यूज है पेज नंबर 16 पे जो कि SBI को लेकर है। SBI क्या कर रहा है दोस्तों, एक लार्ज इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पे कर रहा है, देखिए एक और न्यूज है यहाँ पे, ठीक है। SBI क्या कर रहा है, नियर बाय 1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि कर रहा है किसके अंदर, यस बैंक के अंदर। यस बैंक आपको मालूम है ऑलमोस्ट डूब ही गया था, लेकिन SBI, HDFC दो चार बैंकों ने डूबते हुए जहाज को सहारा दिया और SBI ने तो उसकी काफी मदद करी है। 49% जो स्टेक है ना SBI के अंदर वो किसके हैं, वो SBI के अंदर ही है, SBI के है 49% स्टेक, ओके। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट क्या है, SBI, यस बैंक की बात करें 2004 में इसकी शुरुआत करी गई राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा, मुंबई में हेडक्वार्टर, चेयरमैन सुनील मेहता है, प्रशांत कुमार है जो कि अभी MD और CEO है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं SBI के 49% जो है स्टेक इसके पास में है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने MOU साइन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने को लेकर, ठीक है गाइस। तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि लिया है दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया ने साथ में मिलकर, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड, इंडोनेशिया के रिलेशनशिप से इंडिया को दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर भी जो है एक एडवांटेज है जो कि मिल जाएगा, जहां पे ऑलरेडी आपको मालूम है चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशन के ऊपर तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जो है वो चाइना की टेरिटरी में नहीं जा पा रहे, समझ रहे हो। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि रशिया के साथ में भी आपको मालूम है चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच में हम लोग एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साउथ चाइना सी के अंदर हमारा भी थोड़ा बहुत होल्ड है जो कि हो सके। अभी तो क्या होता है कि जब भी वहां पे कोई डिस्कशन होता है तो हमारा तो कोई नामो निशान ही नहीं होता है, तो हमारा भी कुछ होल्ड होना चाहिए, इसीलिए इंडिया इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के अंदर भी भारत को थोड़ी बहुत मदद है जो कि मिल जाएगी, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं जो कि है, हाँ आगे बात करते हैं, वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हुई है और ये चौथी मीटिंग है दोस्तों PIB के अंदर, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको मालूम है दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या करेंगे, $1 trillion 2020 तक
डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे और क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारे पॉल्यूशन लेवल को कम करेंगे, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लेवल तक पॉल्यूशन को लेके जाएंगे, 2 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे, ये बात हुई थी। अब यहाँ पे इसकी मीटिंग भी होती है, तो वापस से इसकी मीटिंग हुई है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC है ना, जो स्टार्ट किया गया था। अभी यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने इसको को चेयर किया है, समझ गया मेरी बात। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है उनके व्यूज जाने हैं, उनके इकोनॉमिक रिकवरी जानी है कि कैसे वो पेरिस एग्रीमेंट को, COVID-19 के बाद में प्लान को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया ने दोस्तों बोला कि जो भी प्रॉमिस जो है डेवलप कंट्री के द्वारा बोला गया था पैसा देने को लेकर, टेक्नोलॉजी देने को लेकर, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसको करने के लिए बोला है, समझ गए। इंडिया के अगर मैं एफर्ट की बात करूं तो क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया ने दोस्तों 80 मिलियन 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी देने के लिए बोला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको मालूम है ना गैस सिलेंडर बांटे गए, ठीक है, तो गैस सिलेंडर जो है वो दिए गए थे, तो गैस सिलेंडर 8 करोड़ फैमिलीज को दिए गए ताकि पॉल्यूशन जो है वो आप क्या करो, कुकिंग जो है ना आपका कुकिंग गैस, उसके अंदर आप बाकी चीजें ना यूज करके गैस को यूज करो, उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत हमने 3 करोड़ 37 करोड़ एलईडी बल्ब भी बांटे थे, उज्ज्वल योजना आपको मालूम है ना, इसके अंदर हमने जो है बल्ब को एलईडी के साथ में रिप्लेस करे थे। तो ये जो इनिशिएटिव है ना ये हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर ही करे गए थे। हमने BS4 को बंद किया, BS6 को लागू किया है, ये भी हमारे दोस्तों क्लाइमेट चेंज को लेकर इनिशिएटिव है। तो BS4 वाला भी काफी सक्सेसफुल है, बल्ब वाला भी काफी सक्सेसफुल है, बस ये एलपीजी वाला है ना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हमने क्या किया 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दे तो दिया इन लोगों ने रिफिल नहीं करवाया 80% लोगों ने, समझ रहे हो। तो ये रिफिल को लेकर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बार बार जब तक रिफिल नहीं होगा तब तक रियूज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है लोगों ने लेके घर में रख लिया, वापस लोग चूल्हा जलाने लग गए, तो ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि बार बार आप हर महीने यूज करो, अभी तो चेंज आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। पेरिस एग्रीमेंट COP21 की बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है लैंडमार्क एनवायरमेंटल एग्रीमेंट किया गया 2015 के अंदर, यूएसए से बाहर निकल गया था, क्योंकि यूएसए को काफी पैसा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को देना था, तो उसने बोल दिया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा हो रहा है तो वो नहीं करेगा। ये देखिए 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना है दोस्तों, बिलो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर लेके आना है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन को लेकर स्टार्ट किया गया था, समझ गए। इसी को लेकर आपको मालूम है 1992 के अंदर रियो समिट भी हुआ था, है ना, रियो समिट के अंदर के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल भी आया था, ओके। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपको मालूम है ग्रीन हाउस गैसेस जो है हम लोग रिड्यूस करते हैं, ठीक है गाइस। 196 कंट्रीज है जो कि इस एग्रीमेंट के अंदर आए थे, ठीक है। 2 डिग्री, ये देखिए ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री, और टेम्परेचर जो है लिमिट करना है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ये यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट किया गया था। आगे बात करते हैं लिथियम को लेकर दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर जो है ना लिथियम दोस्तों इंक्रीज होता जा रहा है, तो साइंटिस्ट है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं कि लिथियम जो है ना प्रोटेक्शन, क्योंकि तो काफी कॉमन होता है हमारे स्टार्स के अंदर, हमारे सन जैसे जो स्टार्स होते हैं ना उनके अंदर काफी कॉमन होता है, ठीक है गाइस। तो उसके डेवलपमेंट को लेकर कि वो इंक्रीज होता जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में दोस्तों IIA काम करता है, और यहाँ पे लार्ज स्केल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करी गई है और बताया गया है कि यहाँ पे लिथियम का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो सन है दोस्तों वो अपने 6 से 7 बिलियन ईयर के अंदर फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है लिथियम को दोस्तों, ठीक है गाइस। हमारा सन तो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा सन करेगा, ठीक है। हमारा सन जो है 6 से 7 बिलियन ईयर के बाद में पहुंचेगा उस फेज पे और मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा लिथियम को, ठीक है। आपको मालूम है दोस्तों कि जो स्टार की जो लाइफ होती है ना वो बदलती रहती है, और इधर से इधर वाले फेज में जब जाएगी हमारी अर्थ, तब हमारी सन जो जब जाएगा ना तब वो लिथियम का प्रोडक्शन करेगा। अभी हमारा सन जो है वो रेड जाइंट वाली कैटेगरी के अंदर है, पहले नेबुला होता है, ये मैंने अभी आपको स्पेशल क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, अगर आपने करी है तो क्लास मुझे पता नहीं, स्पेशल क्लास के अंदर जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया था, अभी मैंने कर लिया परसों की बात है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये सब पढ़ाया था आपको, ओके। तो स्पेशल क्लास ज्वाइन किया करो, 11 बजे और 12 बजे क्लास होती है, डेली होती है, फ्री क्लास है, 90-day चैलेंज है, इसमें आज 4th दिन है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। कमेंट में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ लिथियम की बात करें तो जब बिग बैंग हुआ था दोस्तों 13 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, तब दोस्तों लिथियम का प्रोडक्शन यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हुआ था। हालांकि बाकी सबकी जो है इम्प्रूवमेंट
एलिमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन लिथियम का कंटेंट है जो कि मात्र 4 गुना ही ज्यादा हुआ है दोस्तों। ठीक है गाइस, लिथियम आज हमारे टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लाइट इन्फ्लेमेबल मेटल है दोस्तों, हम इससे बैटरीज बना रहे हैं, कम्युनिकेशन बना रहे हैं, डिवाइसेस ट्रांसपोर्टेशन में काम में ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं। हमारे लिए मॉडर्न आने वाले वक्त दोस्तों लिथियम का ही है। मेंटल हेल्थ के अंदर हम इसको काम में ले रहे हैं, समझ रहे हो? तो आने वाले टाइम पे लिथियम की काफी ज्यादा यूटिलिटी है। आगे बात करते हैं, इंडियन रेलवे दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को नेट जीरो कार्बन इमिशन को लेकर। ओके, 2030 तक दोस्तों करने के लिए बोला है। नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब यह है कि कार्बन जो है उसका उत्सर्जन हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, साइंस के ऊपर काम करेंगे, सोलर एनर्जी यूज करेंगे और ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि डेवलप करेंगे। ठीक है, करूर वैश्य बैंक ने पार्टनरशिप करी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में। ओके, करूर वैश्य बैंक की बात करें तो एंटर किया उसने दोस्तों पार्टनरशिप स्टार हेल्थ और अलाइंड इंश्योरेंस के साथ में, हेल्थ इंश्योरेंस को अवेलेबल करवाने को लेकर। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी तो बहुत ही सिंपल से, करूर वैश्य बैंक आपको मालूम है, ठीक है, साउथ के अंदर है, करूर नाम की जगह है, वहां पर है। फॉरेन और इंडियन कोचेस दोस्तों वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इनका होगा। तो फॉरेन और इंडियन कोचेस, ठीक है, जो कि इंडियन एथलीट को दोस्तों ट्रेन करेंगे, उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि ओलंपिक साइकिल होती है उस प्रकार से। ये डिसीजन है जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू के द्वारा दोस्तों किया गया है। ठीक है, अभी क्या होता है कि कई बार एक एक साल के दो दो साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो काफी प्रॉब्लम होती है, टीम यूज्ड नहीं हो पाती, तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों बोला है। ओके गाइज, चलिए ये आपको ध्यान रखना है। रशियन क्रैक डाउन ऑन मर्मोट हंट इन प्लेग स्केयर। तो मर्मोट हंट, ये देखो तो जानवर आपको नजर आ रहा है ना, ये मर्मोट है, इसका नाम क्या है? मर्मोट। ओके, वेजिटेरियन जानवर है। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, प्लेग का एक बहुत बड़ा स्केयर है जो कि हो गया था। अभी एक बुबोनिक प्लेग का लेकर डिस्कशन किया गया चाइना में दोस्तों, और रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है ना वहां पे दोस्तों प्लेग आया। अभी वहां पे प्लेग के कुछ केसेस देखने को मिले जो कि किसके वजह से मिले? मर्मोट की वजह से मिले हैं, समझ गए? इसको एक्चुअली के अंदर COVID-19 से रिलेट किया जा रहा है कि जैसे लोगों ने मीट खाया था है ना, ठीक है, उसके वजह से बैट का, उसके वजह से COVID-19 फैला है, उसी वजह से बोला जा रहा है कि मर्मोट के खाने की वजह से जो है चाइना, मंगोलिया और फार ईस्ट जो रशिया का रीजन है ना उसके अंदर भी दोस्तों प्लेग की जो है चांसेस को लेकर बताया गया है। ये जो मर्मोट है दोस्तों, ये जो है 15 स्पीशीज इसकी मिलती है, और क्लोजेस्ट जो है दोस्तों वो ग्राउंड स्क्वेरल और प्रेरिया डॉग्स करके है। ये दोस्तों जो प्रेरिया डॉग्स है ये हार्बीवोरस है। ओके, और रोडेंट जो होते हैं ना अपने चूहे टाइप के जो होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर ये लोग रहते हैं और कोल्ड एनवायरमेंट में इनका यूज है जो कि किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपको यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। हिमालयाज मॉर्मेट भी होते हैं। ओके, आईसीयूएन के जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। और ठीक है, तो इस तरीके से प्लेग के केसेस है जो कि हमको देखने को मिले हैं। प्लेग आपको मालूम है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है ना, चाइना के अंदर और मंगोलिया के अंदर इसको हंट किया जाता है इसके मीट के लिए। ये देखिए, तो एक और दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। प्लेग की बात करें तो प्लेग दोस्तों एक बैक्टीरिया से होता है, यार्सिनिया पर्सिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि स्मॉल मैमल्स के अंदर या फ्लाइज के अंदर मिलता है। ये इंसानों से, एनिमल से इंसान के अंदर दोस्तों ट्रांसमिट होता है किसी भी फ्लाई के काटने से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ओके, उसके ड्रॉपलेट से, उसको खाने से, है ना, तो इस तरीके से ट्रांसफर है जो कि हो जाता है दोस्तों। ओके गाइस, नियर बाय प्लेग की वजह से दोस्तों 5 करोड़ लोग हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 2000 से लेकर 2015 तक भी दोस्तों 3000 लोगों की दोस्तों इन्फेक्टेड हुए थे, जिसमें से 550 लोगों की मृत्यु हुई थी। आज से 500 साल पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया में हुआ करती थी। ठीक है गाइस, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल डार्क हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, है ना, तो इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। यूरोप के अंदर भी दोस्तों काफी प्रॉब्लम होती है इससे। ठीक है गाइस, इसके अलावा 3 मंथ 3 मंथ चैलेंज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 11 बजे 12 बजे ज्वाइन कर लेना, लाइव आइएगा दोस्तों किसके ऊपर, स्पेशल क्लास के ऊपर, मजा आ जाएगा क्लासेस करके, मेरी गारंटी है। कैसे ज्वाइन करना है आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अनअकैडमी के अंदर ऐप में जाना है, ठीक है, पुरेश शर्मा सर्च करना है, सर्च करके दोस्तों आपको जो है स्टार्ट करना है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी, इसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, स्पेशल क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा आपको क्लासेस करके, फ्री क्लासेस है, नहीं कर रहे हैं तो आप अपना गोल सिलेक्ट करिएगा, भुवनेश 10 आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है या मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस सभी का फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा एसएससी के अंदर। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 12 मंथ का लेना है क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज और हर एक एग्जाम का करंट अफेयर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। रेफरल कोड में आपको भुवनेश टेन डाल के अप्लाई करना है गाइस। ठीक है, आज के महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय तटरक्षक बल ने डैश के तटरक्षक बल के साथ में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेट कार्बन उत्सर्जन दोस्तों कहां पर है, मतलब कब तक दोस्तों करने के लिए बोला है। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों किसके साथ में भागीदारी करी गई है। ठीक है, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है गाइस, तो क्वेश्चन जो है वो मैं दे दूंगा आपको कल। ठीक है, मेरा मोबाइल फोन का इंटरनेट खत्म हो गया है और ठीक है एक बार देख लो, बाकी मेरे को लगता नहीं कि अभी आपको यहाँ पे चलेगा ये। चलो ठीक है, करा देता हूँ अगर हो रहे हैं तो। पांच क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फॉरेन कोचेस का होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण समझौता वो कब दोस्तों अपनाया गया था। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।